हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है साइन वार। तो साइन वार के बारे में पढ़ेंगे। तो साइन वार जो है बेसिकली क्या है, कैसे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो साइन वार देखिए क्या है। साइन वार जो है वो एक मापन यंत्र है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो किसी एंगल को मेज़र करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं और यथार्थतापूर्वक हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। और इसमें एक हार्डन स्टील यानी कठोरीकृत इस्पात की अपघर्षित यानी ग्राइंडेड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की प्लेट्स या रॉड्स होती हैं। इनके दोनों सिरों पर हम देखते हैं कि समान व्यास के सेम डायमीटर के दो रोलर्स लगे रहते हैं। ये इन दोनों रोलर्स की जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरल होती है। तो एक्सिस ऑफ दिस रोलर्स आर पैरल टू ईच अदर। तो रोलर्स की जो एक्सिस होती है उनकी उनके बीच की जो दूरी होती है वो 12.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक होती है। साइन बार की जो ऊपरी सतह है, अपर सरफेस है, वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, ठीक है। तो साइन बार के रोलर्स की जो एक्सिस होती है उनके बीच की जो दूरी होती है उसकी जो यथार्थता है यानी एक्यूरेसी है, उसके आधार पर इसको ए और बी श्रेणी में बांटा गया है। ए श्रेणी की जो साइन बार होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.001 सेंटीमीटर पर मीटर लंबाई में होती है। बी श्रेणी की जो साइन बार होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है, यथार्थता होती है, वो 0.002 सेंटीमीटर पर मीटर की लंबाई में होती है। साइन बार के भार को कम करने के लिए इसकी बॉडी में आर पार कुछ छेद यानी होल बना लिए जाते हैं। तो साइन बार के साइज को, एक तो ये उसके भार को कम करने का कार्य करते हैं, साथ ही ग्रिपिंग का भी कार्य करते हैं। तो साइन बार के साइज को उसकी लंबाई में हम व्यक्त करते हैं, यानी साइन बार का जो साइज है वो जनरली 125 mm, 250 mm या 300 mm या 100 mm या 200 mm इस तरीके से दिया जाता है। साइन बार का जो प्रयोग है वो किसी वर्कपीस को निश्चित कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है या किसी वर्कपीस का एंगल नापने के लिए किया जाता है। यानी साइन बार इज़ यूज टू सेट ए वर्कपीस एट ए डेफिनेट एंगल। साइन बार का प्रयोग बाह्य टेपरों के कोण को मापने के लिए भी किया जाता है। साइन बार इज़ यूज टू मेजर एंगल्स ऑफ एक्सटर्नल टेपर, ठीक है। तो साइन बार का प्रयोग अज्ञात कोणों को जांचने एवं मापने में भी करते हैं हम। साइन बार इज़ यूज टू चेक एंड मेजर द अननोन एंगल्स। साइन बार को प्रयोग करने में स्लिप गेजेस व सरफेस प्लेट की हम सहायता लेते हैं। तो स्लिप गेजेस एंड सरफेस प्लेट हेल्प इज टेकन टू यूज़ साइन बार। तो साइन बार की सहायता से हम किसी ज्ञात कोण को माप सकते हैं या किसी वर्कपीस को किसी निश्चित कोण पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं, अवस्थापित कर सकते हैं। यानी वी कैन मेजर अननोन एंगल और लोकेट एनी वर्क पीस टू ए गिवन एंगल। इस विधि में हम साइन बार के जो उसमें दो रोलर्स लगे रहते हैं, एक रोलर को हम स्लिप गेज पर रखते हैं तो तथा दूसरे रोलर को जो है वो सरफेस प्लेट पर टिकाते हैं। यानी एक सरफेस, सबसे पहले हम लेंगे एक सरफेस प्लेट, उस सरफेस प्लेट के ऊपर साइन बार का में जो दो रोलर्स होते हैं उसमें से एक रोलर को रखेंगे और दूसरे रोलर को हम जो है वर्कपीस के ऊपर टिकाते हैं। यथार्थतापूर्वक माप यानी एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए इसके दोनों सिरों को हम सरफेस प्लेट पर रखते हैं और साइन बार को हम थीटा एंगल पर झुका देते हैं। यदि हम एक तरफ स्लिप गेज लगाएं तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो ये वाला है, साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल। दोनों तरफ साइन गेज लगाएं, स्लिप गेज लगाएं तो साइन थीटा बराबर एच टू माइनस एच वन अपॉन एल हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। एल जो है वो दोनों रोलर्स के सेंटर्स के बीच की दूरी है। अब हम समझेंगे, देखिए डायग्राम के अनुसार, देखिए ये साइन बार का डायग्राम है जिसमें कि ये एक रोलर है, दूसरा रोलर ये है, बीच बीच में ये सर्कुलर होल लगे हुए हैं। साइन बार के भार को कम करने का कार्य करते हैं। साइन बार का जो साइज है वो इन दोनों रोलर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस साइन बार के साइज को दर्शाती है। ये देखिए इस तरीके का ये साइन बार है, तो ये इस बीच बीच में सर्कुलर होते हैं, साइन बार के भार को कम करते हैं। तो ये देखिए एक ये है, ये साइन बार हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के। ये एक हमारा सरफेस प्लेट है, इस सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, तो जब हमें साइन बार का प्रयोग करके किसी एंगल को मेजर करना है तो देखिए सबसे पहले तो ये सरफेस प्लेट पे हमने रखा,
साइन बार का जो एक रोलर है उसको यहाँ पर टिका दिया सरफेस प्लेट पे, दूसरे रोलर को जो है हमने ये स्लिप गेज है स्लिप गेज के ऊपर यहाँ पर टिका दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये एंगल जो मेजर करेंगे वो ये वाला एंगल यहाँ से मेजर करके आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप देखें ध्यान से, तो साइन बार के दोनों रोलर्स के बीच की दूरी ये एल है, ये हाइट एच है, तो ये एंगल हमें थीटा निकालना है। सिंपल इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, ये थीटा एंगल हो गया, अगर ये एच हो गया ये एल हो गया तो साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल। इसी तरीके से अगर जो है हम ये एच वन ले लिया हमने, ये एच टू ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस जो आ गई ये वाली, यानी कि इस केस में बस ये है कि ये थीटा एंगल हो गया, ये एल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। देखिए डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, ये साइन बार हो गया यानी ये एल हो गया, और ये जो वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी जो है एच टू माइनस एच वन हो गई। तो पहले वाले जो केस में था इसमें ये डिस्टेंस एल थी, ये एच थी, एल तो ये कांस्टेंट रहेगा, बस एच और एच टू माइनस एच वन का जो कंसेप्ट है वो यही है। अगर हम सरफेस प्लेट पर एक रोलर को टिका देते हैं तो उस समय ये वाला फार्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ हम स्लिप गेज लगा लेते हैं तो एच टू माइनस एच वन अपॉन एल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो थीटा की गणना हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये स्लिप गेजेस का सेट है, स्लिप गेजेस का जो सेट होता है उसमें अलग अलग तरीके के स्लिप गेजेस होते हैं, और उसमें जो है 1 mm, 0.1 mm, 3 mm, जैसे 90, 70, 60, तो इस तरीके के ये सेट होते हैं। साइन बार की सहायता से जो है हम अज्ञात कोण को भी उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चित्रानुसार डायग्राम के अनुसार साइन बार को हम सेट करते हैं, और स्लिप गेज की सहायता से जो है हम क्या करते हैं, पहले क्योंकि हमें अज्ञात कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि स्लिप गेज का हम प्रयोग करें, पहले हम सरफेस प्लेट लेंगे, सरफेस प्लेट के ऊपर स्लिप गेज को रखेंगे, और या तो हम साइन बार का एक सिरा जो है सरफेस प्लेट पर, एक रोलर सरफेस प्लेट पर रख दें और दूसरे तरफ दूसरे एंड पर केवल स्लिप गेज लगाएं, या दोनों तरफ हम स्लिप गेज लगा सकते हैं और अप्रोक्सीमेट हम एंगल निकालते हैं, फिर इसके बाद जो है लगभग एंगल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम वर्कपीस को एंगल प्लेट की सहायता से इस प्रकार से रखते हैं कि जो उसकी झुकी हुई सतह जो है इंक्लाइंड सरफेस जो है वो साइन बार के ऊपर रहे। फिर हम डायल गेज को उसके ऊपर रखते हैं, डायल गेज को ऊपर रखने के बाद इस तरह से रखते हैं कि जो रीडिंग है वो हमेशा जीरो उस पर दिखाए। तो अगर हम मान लो रीडिंग जीरो नहीं आ रही है तो उतना हम स्लिप गेज की ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं और एडजस्ट करके हम इस तरीके से देखते हैं, फिर फार्मूला हम लगा देते हैं उसमें साइन अल्फा बराबर एच अपॉन एल, जिसमें कि साइन बार का जो एक रोलर है वो सरफेस प्लेट पर है, दूसरा रोलर केवल एक ही सिरे पर, दूसरे सिरे पर जो है हम स्लिप गेजेस को रख रहे हैं, और जब हम डायल गेज को रख रहे हैं तो उसके अनुसार जो है हम जो है उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं जब तक कि हमारी डायल गेज रीडिंग जीरो ना आ जाए। तो इस प्रकार साइन बार द्वारा हम मैक्सिमम 60 डिग्री तक का ही कोण माप सकते हैं, 60 डिग्री से अधिक का कोण मापना है तो उसमें इसमें त्रुटि आने की संभावना रहती है। तो ये देखिए ये डायग्राम है साइन बार द्वारा जब हमें अज्ञात कोण को ज्ञात करना होता है, तो एक साइन बार का जो रोलर है वो सरफेस प्लेट पर रखा हुआ है और दूसरे रोलर के नीचे हमने स्लिप गेज लगा रखे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हमने एंगल यहाँ पर रख लिया है, ठीक है, और डायल जो गेज है उसको हम चला रहे हैं इसके ऊपर रीडिंग जब तक जीरो रहे। अगर मान लीजिए रीडिंग जीरो नहीं आ रही है तो उस हिसाब से हम स्लिप गेज को घटा बढ़ा सकते हैं ताकि रीडिंग हमारी जीरो आए। देखिए ये इसका अरेंजमेंट है डायल इंडिकेटर का, डायल इंडिकेटर पर किस प्रकार से हमें रीडिंग जीरो मिले। ये साइन बार का एक रोलर सरफेस प्लेट पर रखा हुआ है, दूसरे प्लेट के नीचे ये स्लिप गेज लगा रखा है, फिर ये इसको हम यहाँ से आए इस पर चलाते हैं ताकि रीडिंग जो है प्रॉपर इसमें जीरो आए। अगर जीरो नहीं आती है तो हम उसे उसके हिसाब से जो स्लिप गेज है इसको इसकी हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम इसमें देख रहे थे इसमें जो अप्रोक्सीमेट एंगल निकालने का कार्य करते थे वो हम इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा करते हैं। तो ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये डिजिटल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो अगर आपको वीडियो लेक्चर देखना है तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में है, उसमें प्रैक्टिकल भी मैंने समझाया हुआ है कैसे करना है। और इस तरीके से जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो है
एंगल प्लेट है जिसमें कि वर्कपीस को रख के होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम साइन बार का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसमें जो भी और भी टॉपिक हैं वो आपको इसमें डिस्कस करता रहता हूँ। थैंक यू।